गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मोहन सर हिस्ट्री चैनल को। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज, कोई फोन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा। राणा सांगा के महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो इससे पहले राणा सांगा का कार्यकाल आप देख लीजिए, 1509 से लगाकर 1528। राणा सांगा मेवाड़ के राजा 1509 में बने, और राणा सांगा कब तक राजा रहे, 1528 तक। इससे पहले राणा सांगा की आपको एक उपाधि याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। उपाधि कौन सी? हिंदू पत्त। उपाधि हो जाएगी हिंदू पत्त। इसके बाद राणा सांगा के बारे में एक बात याद रखनी है, 16वीं शताब्दी का शक्तिशाली राजा, समझ गए। 16वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे तो आंसर हो जाएगा राणा सांगा। कई बड़ी बड़ी तोपों को पराजित करेगा, ठीक है। अब राणा सांगा के समकालीन अगर बात करें, राणा सांगा राजा कब बने, 1509 में। उस समय अगर बात करें दिल्ली की, ये आपका दिल्ली राजा बने। उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था, लेकिन सिकंदर लोदी ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया, ठीक है। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना इब्राहिम लोदी। नाम सुना होगा इब्राहिम लोदी, दिल्ली का बादशाह बना, और इसने 1517 में राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। 1517 में युद्ध हो गया खातौली का। कौन सा युद्ध हुई? खातौली का युद्ध। खातौली कहां पड़ता है? बूंदी में, है ना। खातौली बूंदी और कहीं कहते हैं कोटा और बूंदी की सीमा के ऊपर है। और इधर सामने कौन हो जाएगा? राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा, दिल्ली का इब्राहिम लोदी। दोनों के बीच में खतरनाक धुआंधार युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम दिल्ली वाला इब्राहिम लोदी हारा, और जीता कौन? मेवाड़ के महाराणा सांगा जीत गए। ध्यान रखना, राणा सांगा अपने कार्यकाल में 5 युद्ध करेगा मुख्य रूप से। 5 में से 4 युद्ध राणा सांगा जीत जाएंगे, और एक आखिरी युद्ध राणा सांगा 2-4 गद्दारों की वजह से हार जाते हैं। पहला खातौली का युद्ध राणा सांगा जीत गए, इब्राहिम लोदी हार गया। एक साल बाद 1518 जगह का नाम बाड़ी, तो ये हो जाएगा बाड़ी का युद्ध। इधर कौन? वही आपके मेवाड़ के राणा सांगा। और इधर आक्रमण कौन करेगा? यही दिल्ली वाला करेगा। पहली बार हार गया, दूसरी बार फिर आक्रमण करेगा। ये लीजिए इब्राहिम लोदी। बाड़ी कहां पड़ता है? बाड़ी धौलपुर में पड़ता है। खतरनाक धुआंधार युद्ध, इधर से दिल्ली की सेना, इधर से मेवाड़ की सेना, दोनों का आमना सामना, और युद्ध का परिणाम इब्राहिम लोदी पुनः हारा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को फिर धूल चटा दी, और इधर कौन जीत गए? राणा सांगा। खातौली के युद्ध में लोदी को हराया, बाड़ी के युद्ध में लोदी को हराया। दो बार हार गया लोदी को, नचा हो गया। अपन को युद्ध करना ही नहीं है, क्योंकि राणा सांगा जीतने तो देगा नहीं। आराम आ गया दिल्ली वाले को, अब किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं करना, है ना। जैसे दिल्ली वाले को शांति मिली, अब की बात इधर आपका पड़ता है एमपी। एमपी में कौन सा? मालवा। मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता था। मालवा का राजा था महमूद।
खिलजी, सेकंड महमूद खिलजी द्वितीय, राणा सांगा के सामने मालवा का राजा था, इधर आपके मेवाड़ के कौन है, राणा सांगा। अब की बार एमपी वाले को लगा मैं आक्रमण करता हूं और देखता हूं राणा सांगा किस राजा है। कहते हैं इसके एक साल बाद 1519 आक्रमण हो गया और युद्ध कौन सा हुआ, गागरोन का युद्ध। गागरोन कहां पड़ता है, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, इधर राणा सांगा और इधर सामने मध्य प्रदेश का महमूद खिलजी। पर सेकंड खतरनाक द्वादा युद्ध, युद्ध का परिणाम वही, राणा सांगा जीता और हार गया कौन, महमूद खिलजी। सेकंड इब्राहिम लोदी हार गया 1517 में, 1518 में इब्राहिम लोदी हार गया, 1519 में महमूद खिलजी सेकंड हार गया, तीन युद्ध राणा सांगा जीत गया। इसके बाद कहते हैं राणा सांगा ने बाबर को भी हराया है ना, वो कौन सा युद्ध है, इधर देखिए इसको नोट कर लेना चाहो तो साथ में खातोड़ी बूंदी में पड़ता है। इब्राहिम लोदी हार गया बाई धौलपुर में, गागरों झालावाड़ में। इसके बाद राणा सांगा युद्ध करेगा बाबर से, हालांकि बाबर कहां से आया, कैसे आया, कब आया, वो सारी जानकारी आप भारत के इतिहास में जब बाबर पढ़ोगे टॉपिक उसमें बता दी जाएगी, ठीक है। अब बाबर और राणा सांगा का आमना सामना कैसे हुआ इधर ध्यान दीजिए, कब हुआ पहली बार, 16 फरवरी 1527, युद्ध कौन सा हुआ था, बयाना का युद्ध। बयाना कहां पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। कहते बाबर खुद नहीं आया था, सामने आई थी बाबर की सेना। बाबर खुद तो पानीपत का युद्ध जो हुआ 21 अप्रैल 1526 उस युद्ध में जीतने के बाद बाबर दिल्ली चला गया अपना राजतिलक करने के लिए, और बाबर की सेना घूमते घूमते राजस्थान में प्रवेश कर गई और जगह का नाम है बयाना। बयाना कहां पड़ता है, भरतपुर में, और इधर सामने कौन चला गया, राणा सांगा। सांगा भी खुद नहीं, सांगा की सेना, इधर से सांगा की सेना आई, इधर से बाबर की सेना आई, खतरनाक द्वादा युद्ध हो गया। और इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर के सैनिकों को बेचारों की जबरदस्त तरीके से ठुकराई की, जितने भी आए थे सारे के सारे मारे गए, कोई 5-7 आदमी जिंदा बचे जो भाग कर दिल्ली गए। युद्ध का परिणाम, बाबर की सेना हारी और राणा सांगा की सेना जीती। अगर ऐसी सेनाओं का अगर सेनापति पूछे तो राणा सांगा की सेना का सेनापति भीम सिंह डोरिया और बाबर की सेना का सेनापति मेहंदी ख्वाजा, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़े थे, राणा सांगा की सेना जीत गई और बाबर के सैनिक जितने भी आए थे सारे के सारे मारे गए और 8-10 जिंदा बचे। ये 8-10 जो ऐसे हैं इनकी जबरदस्त तरीके से कहते हैं यहाँ के मेवाड़ के राजपूतों ने ठोकाई की थी, बेचारों को ठोक ठोक कर कबूतर बना ले इतने से हो गए, जैसे भागते भागते दिल्ली पहुंचे वहां पर बाबर की नजर पड़ी, पूछा कि ये हाल किसने किए, तब कहा पता नहीं हम मेवाड़ गए थे और मेवाड़ तो पहुंचे ही नहीं, राजस्थान के भरतपुर में बयाना नामक स्थान पर एक आदमी आया था राणा सांगा का तो सेनापति बताया जा रहा है, उसने हमारी ये हालत की है, कई आपके खोपड़ी फोड़ दी, कई आपके हाथ तोड़ दिए ना, ये हालत हो गए, ठीक है। तब कहते ये जो 8-10 आदमी जिंदा बचे थे ये भागते भागते बाबर की जो बाकी सेना बैठी थी डेरा डाले हुए, डेरा डाले का मतलब बाबर की आधी सेना यहाँ आई थी भरतपुर में, आधी सेना दिल्ली में बैठी थी। कहते चढ़े वहां पहुंचे और पूरी सेना को बोल दिया, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेवाड़ के राणा सांगा से युद्ध करने मत जाना। कहते पूरी की पूरी सेना में जहर घोल दिया,
किसने बोल दिया, जो सैनिक बाबर के भरतपुर से जिंदा बच के आए थे उन्होंने जहर बोल दिया, अगर राणा सांगा से युद्ध करने गए तो ये हाल होगी जो हमारे ऊपर गए। ठीक है, पूरी सेना को लग गया अगर राणा सांगा से युद्ध करेंगे तो मारे जाएंगे। तब कहते हैं बाबर आ गया, पूरी डेरे में पहुंचा, सेना को बोला कि चलो भाई अब राणा सांगा ने अपनी सेना को हराया है, अपन सब चलेंगे और राणा सांगा से बदला लेंगे। तब कहते हैं बाबर की सेना ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, बाबर को बोला अगर तेरे को जाना है तो जा, हम तो राणा सांगा के सामने किसी भी हालत में युद्ध करने नहीं जाएंगे। इतनी जबरदस्त तरीके से कहते राणा सांगा की सेना ने ठोकर दी थी बाबर के सैनिकों की। कहते हैं बाबर ने अपनी सेना को प्यार से समझाया, सेना नहीं मानी तो बाबर को मजबूर होकर शर्त रखनी पड़ी, आगे युद्ध करने के लिए शर्त रखनी पड़ी। युद्ध कौन सा होगा सभी को पता ही है, खानवा का युद्ध बड़ा ऐतिहासिक है। खानवा का युद्ध करने से बाबर की सेना ने मना किया था, इसलिए बाबर को शर्त रखनी पड़ी अपनी सेना के सामने। क्या शर्त है देखिए, इधर पहली शर्त शराब। कहते हैं बाबर शराब का शौकीन था और पूरी सेना को बोला आज के बाद दारू पीना छोड़ दूंगा, सैनिकों चलो राणा सांगा से युद्ध करो। दुनिया भर के बड़े बड़े जो शराब से ड्रम भरे हुए थे सारे फोड़वा दिए गए, सेना के सामने कसम खाई लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया। बाबर को बोला ये बाबर एक की जगह भले चार बोतलें पी ले, हम तो राणा सांगा से युद्ध नहीं करने वाले। दूसरी शराब तमगा कर, तमगा कर हटा दूंगा। बाबर ने कहा था कि अगर आप लोग राणा सांगा के सामने युद्ध करोगे तो मैं तमगा कर हटा दूंगा। जैसे हिंदुओं पे कौन सा लगता जजिया कर, बाबर की कौन सी सेना मुस्लिम सेना, और मुस्लिम व्यापारियों पर तमगा कर लगता था। बाबर ने कहा तमगा कर हटा दूंगा, सांगा से युद्ध करो और राणा सांगा से युद्ध करो। तब कहते बाबर की सेना ने फिर मना कर दिया, एक की जगह चार पांच तमगे लगा दे, हम तो राणा सांगा से युद्ध नहीं करेंगे। तब कहते तीसरी सर्प की चांदी के सिक्के। बाबर ने कहा था मेरे सैनिकों राणा सांगा से युद्ध करने चलो, मैं काबुल में प्रत्येक घर में चांदी के सिक्के बांटूंगा, लेकिन सेना ने फिर मना कर दिया, चांदी क्या सोने के सिक्के बांट ले, अगर युद्ध किया तो हम मारे जाएंगे। इसके बाद बाबर ने एक और शर्त रखी थी, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, है ना, मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, सैनिकों चलो राणा सांगा से युद्ध करो। सेना ने फिर मना कर दिया, भले दाढ़ी कटाए भले डेली शेविंग बढ़ा ले, हम तो राणा सांगा से युद्ध नहीं करने वाले। और आखिरी उपाय था पांच नंबर पर जिहाद का मारा। कहते हैं बाबर ने अपनी पूरी की पूरी मुस्लिम सेना को कसम खिलाई धर्म की कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, अगर आप लोग मेरा कहना नहीं मानते हो तो आपको अल्लाह की कसम है, आपको अपने धर्म की कसम है, मरोगे तो भी अल्लाह के लिए, जियोगे तो भी अल्लाह के लिए, आपको अपने धर्म की कसम है, चलो और राणा सांगा से युद्ध करो। कहते हैं जैसे बाबर ने जिहाद का नारा दिया, बाबर की पूरी सेना तैयार हो गई युद्ध करने के लिए। युद्ध किसे किया जाएगा, राणा सांगा से। युद्ध कौन सा होगा, खानवा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद। इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मोहन सर हिस्ट्री।